और चुनाव आयोग का डर उम्मीदवारों के दिलों में नजर नहीं आ रहा है इस बार। दिखाते हैं आपको, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं हसरत उल्लाह शेरवानी किस तरह से चुनाव आचार संहिता और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पीछे भी आपने 5 साल देखे थे, किसी मुसलमान ने जो है थाने का गेट नहीं देखा था, किसी मुसलमान को थाने चौकी का गेट नहीं मैंने देखने दिया था। किसी पुलिस वाले की ये हिम्मत नहीं थी कि मोटरसाइकिल रोक ली तो उसको थाने तक पहुंचा दे या सीज कर दे। क्या नाम है मेरा? उमर नाम है। क्या नाम है मेरा? अब्दुल्ला नाम है। अच्छा जा, निकल जा। उसे पता था कि अभी विधायक का फोन आ जाएगा और मुझ पर डांट पड़ गई। अगर दोबारा दोहरा गए तो फिर ये सीट कभी मुसलमान के हाथ नहीं आएगी, ना कोई पार्टी मुसलमान को टिकट देगी यहाँ। ऐसा है कि सब लोग जो है मेरे जीतने से बौखला गए, परेशान है, तो ये इस तरीके के वीडियो वायरल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसकी छानबीन जिलाधिकारी महोदय ने कराई और उस छानबीन के बाद एसडीएम कासगंज ने सपा प्रत्याशी हसरत उल्लाह शेरवानी को कतिपय प्रावधानों के अंतर्गत दोषी मानते हुए, प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए एक अभियोग पंजीकृत कराया है।